एवरीवन, मैं हूँ गीता। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जो लोग नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम है गीता एंड यहाँ पर मिलते हैं आपको बहुत सारे हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप वीडियोज, फिटनेस वीडियोज, लाइफ स्टाइल वीडियोज। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, नए वीडियोस भी देख सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है और अगर मेरे किसी वीडियो से आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो गाइस आई एम टेलिंग यू, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके काम आ रही हूँ, मैं आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के में आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। ओके, सो मेरे चैनल पर बने रहिए। सो बात कर लेते हैं आज के वीडियो की। आज मेरा वीडियो है अबाउट विंटर्स हेयर केयर। गाइज, विंटर्स में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि लोगों के बाल जो हैं वो बहुत ड्राई हो रहे हैं विंटर्स में। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बाल ड्राई होना, बालों का ब्रेकेज होना, हेयर फॉल होना, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, जो मोस्टली लोगों को होता है। कितना ही भी ध्यान रख लें, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बालों की जो वो हमेशा सब लोगों को होती ही हैं। देखिए, अब हमेशा आप हेयर ऑयल लगा कर नहीं बैठ सकते, आपके बालों का मॉइस्चर लॉस्ट हो जाता है, आपके बालों में प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं रहता है, इसलिए आपके बाल जो है वो ब्रेकेज होने लगते हैं, बीच में से टूटने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है आपके बालों में। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। आपके बालों में हाइड्रेशन होना चाहिए, आपके बाल मॉइस्चराइज होने चाहिए, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तभी आपके बाल जो है वो हेल्दी रहेंगे और वो टूटेंगे नहीं। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 4 विंटर स्पेशल हेयर मास्क, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। इस विंटर्स में आपके बालों को नरिश रखेंगे। अगर आप लगाते हैं इनको, रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं, तो आपके बाल हाइड्रेट बने रहेंगे, आपके बालों की जो प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगी, आपके बाल जो है वो हेल्दी बने रहेंगे। देखिए, हेयर ऑयल वगैरह तो हम सब लोग लगाते हैं, वो तो हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है हेयर ऑयलिंग करने का, और करनी भी चाहिए। लेकिन हफ्ते में आप सिर्फ एक बार हेयर ऑयलिंग कीजिए, क्या आपको लगता है कि हेयर ऑयलिंग से सब कुछ ठीक हो जाता है, सारा न्यूट्रिशन मिलता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेयर ऑयलिंग हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लगाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते भी हैं हेयर ऑयलिंग के, लेकिन प्रॉपर नहीं, नॉट 100% रिजल्ट नहीं मिलते आपको। ऑयल, ओनली एक सिंगल ऑयल आपके बालों को 100% न्यूट्रिशन नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी ऑयल हो। इसके साथ साथ आपको एडिशनल कुछ तो करना होता है। इसके साथ एडिशनल क्या करना होता है, वो है हेयर मास्क। जी हाँ गाइस, आपको अपने बालों में हेयर मास्क लगाने ज़रूरी हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप घर के DIY हेयर मास्क लगाएं, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं आपके बालों को। लेकिन जो लोग बिजी हैं, ऑफिस जाते हैं, बहुत बिजी मॉम्स हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो मार्केट के परचेज करके भी लगा सकते हैं। ओके, बस कंडीशन ये है कि आपके बालों को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो चलते हैं वीडियो में। सबसे पहला हेयर मास्क मैं आपको बताने वाली हूँ, ये है हनी हेयर मास्क। जी हाँ गाइज, हनी आपके बालों में लगाना है एज अ हेयर मास्क। कैसे लगाना है, कैसे बनाना है हेयर मास्क, चलिए वीडियो में लेट्स गो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बोल ले लेना है। मैं यहाँ पर एक ग्लास ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसमें आपको ऐड करना है हनी। हनी आप अपनी बालों के अकॉर्डिंग, आपके बाल कितने हैं, लाइट हैं, हैवी हैं, मीडियम है, लॉन्ग है, आप अपने बालों की क्वांटिटी के हिसाब से हनी लीजिए। मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच हनी ले रही हूँ, कोई भी हनी ले सकते हैं आप, जो भी आपके पास है। एंड इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। जी हाँ गाइस, इसमें आप ऐड कीजिए 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल की। देखिए, हनी क्या होता है ना, बहुत थिक होता है, तो अगर हम जब हम उसमें एलोवेरा जेल ऐड करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा मेल्ट होने लगता है, लिक्विफाई हो जाता है। एंड अब हम इसमें तीसरी चीज़ क्या ऐड करेंगे, कोकोनट ऑयल। इसमें हम यहाँ ऐड कर रहे हैं 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, और इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको अच्छे से मिक्स करना है। और देखिए गाइस, ये आपका यहाँ पर एक DIY हेयर मास्क बनकर रेडी हो गया है। ओके, तो चलिए इसको लगाते हैं आप अपने बालों में। हनी गाइस हमारे बालों को हाइड्रेट करता है। हनी के अंदर बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारी हेयर शाफ्ट को स्मूथ बनाती हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
जो हमारे स्कैल्प में पेनिट्रेट कर जाते हैं, हमारी हेयर शाफ्ट में पेनिट्रेट कर जाते हैं और हमारे बालों की कंडीशनिंग होती है, हमारे बाल जो सॉफ्ट होने लगते हैं, हमारी स्कैल्प में वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है जो हमारी इन सर्दियों में लॉस्ट हो जाता है, या जिन न्यूट्रिएंट्स की हमारे स्कैल्प में कमी हो जाती है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हनी हमारे बालों को देता है। एंड साथ ही साथ हमने यहाँ पर इसमें ऐड किया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के गाइस प्रॉपर्टीज़, बेनिफिट्स आप सब लोग बहुत जानते हैं। जेल के अंदर गाइस बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्कैल्प को क्लीन करता है, आपकी स्कैल्प में सिबोरिक डर्मेटाइटिस तक को भी ठीक करता है। एंड यू नो आपकी स्कैल्प में अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ को भी ठीक करता है, मेनली आपके हेयर शाफ्ट को क्लीन करता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन ए सी ई होते हैं जो आपकी स्कैल्प में सेल टर्नओवर को प्रमोट करते हैं, मतलब पुरानी सेल्स जो हैं वो डेड सेल्स जो हैं वो रिमूव होती रहती हैं और नई नई सेल्स आपकी स्कैल्प में बनती रहती हैं, आपके नए बाल उगने लगते हैं, आपके हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। आप बेसिकली आपके हेयर ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करता है एलोवेरा जेल। नेक्स्ट हमने यहाँ पर ऐड किया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल गाइस नेचुरली हमारे बालों की कंडीशनिंग करता है, हमारे बालों का अगर प्रोटीन लॉस हो गया ना उसको रिकवर करता है, एंड यू नो हमारे बालों को बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है, हमारे बालों में ग्लो ऐड करता है, हमारे बालों में शाइन ऐड करता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं इस हेयर मास्क के। तो बस आपको क्या करना है, इसको लगाने के बाद आपके बालों को बन बना लेना है और इसको कम से कम आधे से एक घंटे तक के लिए छोड़ना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, आधे घंटे भी छोड़ेंगे तो काफ़ी है, एक या फिर एक घंटे तक, बस इतना आपको रखना है और उसके बाद आपको नॉर्मल अपने शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है गाइज। उसके बाद आप देखेंगे ना आपके बाल कितने स्मूथ हो जाएंगे, कितने शाइनी लगेंगे, सिल्की लगेंगे। मेरे तो होश ही उड़ गए थे जब मैंने ये हेयर मास्क लगाया था ना, और मैं इतनी हैप्पी हो रही थी कि मेरा जल्दी से मन हो रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ये वाला हेयर मास्क। तो गाइज़ ये मास्क आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए, ओके। नेक्स्ट हेयर मास्क है आपका योगर्ट एंड एग हेयर मास्क। जी हाँ गाइज, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिएगा योगर्ट, दही जो हम घर में खाते हैं ना खाने में, वही वाली दही चाहिए आपको। बस सिर्फ आपको इसको हंकर्ड बना लेना है, हंकर्ड मतलब इसको एक नैपकिन में लपेट के रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए, जिससे क्या होगा ना इसका सारा वाटर जो है वो ड्रेन हो जाएगा और आपके पास जो है वो जो ड्राई योगर्ट बचेगा, इसको बोलते हैं बेसिकली हंकर्ड। क्योंकि अगर आप योगर्ट को एज इट इज लगाएंगे ना बालों में तो उससे बहुत सारा पानी निकलता है और बहुत सारा जब आप लगा के रखेंगे ना हेयर मास्क तो बहुत सारा पानी जो है वो ड्रॉप आउट होगा और आपको बहुत मैसी फील होगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं हंकर्ड बना लेती हूँ और हंकर्ड में अब हमें यहाँ पर ऐड करना है 1 egg। जी हाँ गाइज, मेरे बालों के लिए तो 1 egg सफिशेंट होता है। 1 अंडा आपको इसमें ऐड करना है और दोनों को इनको लेकर अच्छे से आपको मिला लेना है, मिक्स कर लेना है, एक स्मूथ पेस्ट जैसा आपको बना लेना है। और देखिए हो गया ये हमारा हेयर मास्क रेडी, ओके। तो चलिए लगाते हैं अपने इस हेयर मास्क को। गाइज इस मास्क में हमने ऐड किया है दही, योगर्ट। गाइज बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दही के हमारे बालों के लिए। हमारे बालों में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है ना, किसी भी तरह की डैंड्रफ है, कोई स्कैल्प रिलेटेड इश्यूज है, कोई वो क्लीन करता है योगर्ट, हमारी स्कैल्प जो है वो हेल्दी रहती है, हमारी स्कैल्प बिल्कुल क्लीन फील करती है, जिससे क्या होता है एक हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है दही। एंड इसके अंदर जिंक होता है अलोंग विद बायोटीन, जो हमारी बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, हमारे बालों का जो हेयर फॉल है वो कम होता है। दही एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है हमारे बालों के लिए, हमारे बालों में शाइन ऐड करता है। दही एक हेल्दी हेयर ग्रोथ बूस्टर है जो आपके बालों की हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट हमने इसमें ऐड किया है एग, अंडा। यानी गाइज एग, आपको सबको पता है कि एग खाने के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, सेम बेनिफिट्स हमारे बालों को होते हैं जब हम एग अप्लाई करते हैं अपने बालों में। अंडे के अंदर, एग के अंदर गाइज बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प में पेनिट्रेट कर जाते हैं, बेसिकली ये एक सुपर फूड है हमारे बालों के लिए। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स ए ई बायोटीन फोलेट एंड साथ साथ प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बालों को मजबूती देते हैं, हमारी स्कैल्प जो है वो हेल्दी फील करती है, हमारे बाल जो है न्यूट्रिटिव फील करते हैं। एग योक के अंदर गाइस बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी हेयर शाफ्ट को जो है सॉफ्ट बनाते हैं, हमारे बालों की कंडीशनिंग करते हैं, हमारे बाल जो है वो मॉइस्चराइज रहते हैं, हमारे बालों का हेयर फॉल कम होता है।
तो बस इस हेयर मास्क को आपको लगा के रखना है अपने बालों में आधे से एक घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं रखना है, इतना ही रखेंगे, आधा घंटे भी रखेंगे तो भी काफ़ी है। और उसके बाद आपके बालों को नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लेना है, जैसे भी आप करते हो। और देखिएगा इस वॉश करने के बाद आप देखिएगा इस मास्क के रिजल्ट्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं, आपके बालों को जैसे सुपर फूड मिल गया हो, आपके बाल जो है बहुत हेल्दी फील करेंगे, बहुत ही शाइनी ग्लॉसी बनेंगे आपके बाल, आपके बालों को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जो है इस हेयर मास्क से मिल चुका है। ओके तो चलिए चलते हैं हेयर मास्क नंबर 3 पर। ये है गाइस ऑलिव ऑयल हेयर मास्क। देखिए ऑलिव ऑयल आपने बहुत सुना होगा कि बालों में लगाना चाहिए, ऑलिव ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये सब आपने बहुत सुना होगा और लगाया भी होगा। लेकिन यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल को एज अ हेयर मास्क यूज़ करने वाली हूँ। और गाइस हेयर मास्क की तरह जब आप इसको यूज़ करते हैं ना, ओ माई गॉड, इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। आपके आपके बालों की कंडीशन इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है ना, आपके बाल बहुत सॉफ्ट लगते हैं। जो विंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी ना आपके बालों में, वो ऐसा लगेगा कि वो सब खत्म हो गई हैं। तो देखिए इसको लगाना कैसे है। आपको एक बोल में ऑलिव ऑयल ले लेना है, कोई भी ऑलिव ऑयल जो आपके पास है। मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ये, कोल्ड प्रेस्ड, और मैं इसको ले ले रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी लीजिए, जितना आप नॉर्मली लेते हैं उसका दुगना क्वांटिटी लीजिए। और इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में हम लोग हीट कर लेते हैं। ओके एंड अब इसको अपने बालों में लगाएंगे। मैं यहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको लगाने के लिए, क्योंकि मैं एज अ हेयर मास्क लगा रही हूँ। और इसी तरह से आपको लगाना है हेयर मास्क की तरह। आप अपनी स्कैल्प में भी लगाइए, आपके बालों की हेयर शाफ्ट में भी लगाइए, पूरे स्कैल्प में आपको इसको लगाना है। गाइस ऑलिव ऑयल के अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो जो आपके बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, आपके बालों में हेयर थिनिंग को रिड्यूस करते हैं। ये ऑयल गाइस आपके बालों में अगर किसी भी तरह का डैमेज हुआ है ना, उसको ट्रीट करता है, चाहे वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से हो, पॉल्यूशन से हो, फ्री रेडिकल से हो। अगर डैमेज हो गए हैं आपके बाल तो उनको ठीक करेगा। इसी वजह से आपके बालों की जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, आपके हेयर फॉल कम करता है, आपके बालों की कंडीशन को इम्प्रूव करता है, आपके बालों को हेल्दी बनाता है। रेगुलर बेसिस पर अगर आप ऑलिव ऑयल को यूज़ करते हैं आपके हेयर ऑयल अपने हेयर केयर रूटीन में, गाइज आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करके रखता है ऑलिव ऑयल, आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है, जिससे क्या होता है आपके बाल जो कम गिरते हैं, आपके बालों की इलास्टिसिटी बढ़ाता है, और फाइनली आपके बालों का हेयर फॉल कम करता है। ऑलिव ऑयल आपके बालों की कंडीशनिंग करता है, आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है। इसके अंदर स्क्वेलिन होता है, इसके ऑलिक एसिड कंटेंट होता है, जो आपके बालों में अगर स्प्लिट एंड्स हो गए हैं ना, उनको ठीक करता है। तो इस हेयर मास्क के इतने सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं आपके बालों के लिए। तो बस इसको क्या करना है, लगाकर आपको आधे से एक घंटे तक के लिए छोड़ देना है। और दूसरे ऑयल्स की तरह नहीं है कि मतलब इसको रात भर लगा के रखो या बहुत देर तक लगा के रखो, इतना काफ़ी है, आधे से एक घंटे भी छोड़ देंगे काफ़ी है। और अगर आपको लग रहा है कि ये ड्रॉप आउट हो रहा है, आपके बालों से गिर रहा है, तो कोई आप हेडबैंड भी पहन सकते हैं। तो बस इसके बाद आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से, नॉर्मल शैम्पू से, जैसे भी अपने बाल वॉश करते हैं शैम्पू से वॉश करना है। हाँ, इसमें शायद आपका थोड़ा सा ज़्यादा शैम्पू लगेगा अपने बालों को वॉश करने के लिए, क्योंकि ऑयल ज़्यादा लिया तो ऑयल को निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा शैम्पू लग सकता है। बट अल्टीमेटली फाइनली गाइज इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे इसके, आपके बाल जो बहुत सॉफ्ट स्मूथ शाइनी बनेंगे। और आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने ये ट्राई किया है नहीं किया है, और इसके रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। ओके गाइज चलते हैं हेयर मास्क नंबर 4 पर। गाइज ये मास्क बनाना बहुत आसान है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके बालों के लिए। और आपने आई एम श्योर ये हेयर मास्क के बारे में सुना भी होगा, हो सकता है कभी अप्लाई भी किया हो, लेकिन अभी अप्लाई ज़रूर करना है। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बोल ले लेना है, और उसमें आपको ऐड करना है 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बाद आपको इसमें ऐड करना है 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। ओके कोकोनट ऑयल के बाद आपको इसमें ऐड करने हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स, ठीक। एंड अब आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा ये हेयर मास्क बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसको लगाते हैं। कोकोनट ऑयल के अंदर गाइस बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं गाइस,
जो आपकी स्कैल्प को नरिश करता है। आपकी स्कैल्प में हेयर फॉलिकल्स में अगर सीबम बिल्डअप हो जाता है, डेड डेब्रिस जो भी गंदगी खट्टी हो जाती है ना, उसको क्लीन करता है। जब हमारे आपकी स्कैल्प ही क्लीन रहेगी तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके बालों में एक हेल्दी हेयर ग्रोथ जो प्रमोट होती है, आपके नए बालों की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। कोकोनट ऑयल के अंदर लॉरिक एसिड होता है जो इजीली आपके हेयर शाफ्ट के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, आपके बालों को शाइनी बनाता है, ग्लॉसी बनाता है, आपके बालों की कंडीशनिंग करता है कोकोनट ऑयल। एलोवेरा जेल के अंदर गाइस बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया है, जिससे क्या होता है हमारे स्कैल्प पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो वो ख़त्म होता है, हमारी स्कैल्प जो क्लीन रहती है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ती है। इसके अंदर विटामिन B12 होता है, फॉलिक एसिड होता है जो हमारे हेयर फॉल को कम करता है, हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारे बालों में अगर किसी भी तरह का डैमेज हो गया ना उसको भी ठीक करता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इजीली आपकी हेयर शाफ्ट के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, जिससे आपके बाल जो स्मूथ बनते हैं वो मॉइस्चराइज रहते हैं, आपके बालों में प्रॉपर हाइड्रेशन बना रहता है एंड इसी वजह से आपके बाल जो है वो कम गिरते हैं, आपका हेयर फॉल कम होता है। एंड साथ ही हमने यहाँ पर ऐड किया है विटामिन ई कैप्सूल्स। गाइस बहुत बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे बालों के लिए। इसके अंदर अल्फा टोकोफेरोल होता है गाइस, जो हमारे स्कैल्प में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारी फॉलिकल्स में सीबम प्रोडक्शन को मिनिमाइज करता है एंड हमारी स्कैल्प का पीएच जो है वो बैलेंस करता है, हमारी हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, हमारे बालों में हेयर थिनिंग को रिड्यूस करता है, हमारे बालों को हेल्दी बनाता है, हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, जिससे हमें एक हेल्दी हेयर ग्रोथ मिलती है। आपकी हेयर फॉलिकल्स अगर डैमेज हो गई है ना तो उनको ठीक करता है, आपके बालों में अगर स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है उनको ठीक करता है। विटामिन ई कैप्सूल के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, साथ ही विटामिन ई भी होता है, जो आपके बालों में अगर किसी भी तरह का डैमेज हुआ है ना पॉल्यूशन से या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर से, तो उनको भी ठीक करता है। हमारी स्कैल्प में अगर किसी भी तरह की ईचिंग हो रही है या वहाँ पे कोई रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो उसको भी ठीक करता है विटामिन ई कैप्सूल्स। एंड साथ ही हमारी स्कैल्प को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमारी स्कैल्प जो वो हेल्दी रहती है, और जब हमारी स्कैल्प हेल्दी रहेगी तो हमारे बालों की ग्रोथ अपने आप ही बढ़ेगी, हमारी हेयर फॉलिकल्स जो वो स्टिमुलेट हो जाएंगी नए बालों के प्रोडक्शन के लिए, तो फाइनली हमारे नए बाल उगने लगेंगे, हमारे बालों का हेयर फॉल कम होगा, हमारे बालों की कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने लगेंगी। कम उम्र में ही अगर आपके बाल ग्रे होना स्टार्ट हो गया ना तो उनको भी ठीक करता है विटामिन ई कैप्सूल्स। तो गाइस इतने सारे बेनिफिट्स हैं इस हेयर मास्क के, मैं आपको बोलूँगी इन सर्दियों में इस हेयर मास्क को आप ज़रूर ट्राई करें और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसको बस क्या करना है, लगा कर रखना है और इस आपको आधे से एक घंटे तक के लिए इसको अपने बालों में लगा के रखना है और उसके बाद अपने बालों को शैम्पू कर लेना है, और शैम्पू करने के बाद देखिएगा आपको अपने बाल कितने अच्छे और हेल्दी और सॉफ्ट एंड शाइनी फील होंगे। मैंने जब ये हेयर मास्क लगाया था तो ओ माय गॉड मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरे बाल बहुत सॉफ्ट एंड शाइनी फील हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मान लो स्कैल्प को जो है वो सारा न्यूट्रिशन मिल गया हो। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके सो गाइज ये थे मेरे कुछ विंटर स्पेशल हेयर मास्क। आई होप कि ये हेयर मास्क इस विंटर्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके तो गाइज ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके एंड मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मेरी गानों की रील्स आती हैं, जो भी बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं ना उनकी रील्स आती हैं। ओके एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। एंड नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बी स्माइल, बिकॉज स्माइल इज़ अ फ्री थेरेपी। हर बार मैं अपने वीडियो में ये बात बोलती हूँ। ओके एंड हाँ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।